कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। पहली दफ़ा मैंने प्यार किया, पहली दफ़ा एतबार किया, अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीदें खैरियत से होंगे और मदर डे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखिएगा, हैप्पी मदर्स डे, ये भी लाए हो आप। अच्छा ये देखिएगा, जोए भी केक लेकर आए मेरे लिए, और कितना प्यारा केक है ना, कौन सा है, कॉफ़ी केक, कॉफ़ी केक लाए हैं जोए मेरे लिए मदर डे के मौके पर। और आप सब कैसे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब ये देखिएगा फ्लावर का इन्होंने हशर क्या किया, सारे फूल तोड़ दिए हैं और ये देखिए फ्लावर भी निकाल दिए। रखो अभी मैं पहले अभी व्यूअर से बात कर रही हूँ, फिर हम केक काटेंगे। ओके, हैप्पी मदर्स डे। सही है, इनके फ्रेंड आए हैं घर से बाहर, इनके फ्रेंड इनको बुला रहे हैं, 10 मिनट में वापस आ जाओ जोहेब। आप सबको हैप्पी मदर डे, और माओ काल में दिन है, और आप सभी अपनी माओ से प्यार करते होंगे, सभी बच्चे अपनी माओ से प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। और मेरी अम्मी यहाँ पर नहीं है, पंजाब में रहती है, तो ये होता है कि मैं बहुत देर से जाती हूँ अपनी अम्मी के यहाँ, क्योंकि वो बच्चों की पढ़ाई होती है, वो बिज़ी होते हैं अपनी पढ़ाई में, और जाना मुमकिन नहीं होता मेरे लिए। तो कभी मैं पिछले साल में गई थी दिसंबर में, वो भी तकरीबन मैं गई थी 4 साल के बाद, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बिज़ी होते हैं बच्चे, अकेले में जा नहीं सकती हूँ, अगर जाऊँगी तो घर डिस्टर्ब हो जाता है, खाना वाना बना के देना ये सब करना तो बहुत पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए फिर बड़ा मुश्किल होती है। बहरहाल इस ईद पर बहुत ज़्यादा मैंने अपने अम्मी को मिस किया, वीडियो कॉल पे बात की तो सारे बहन भाई और सब बैठे हुए थे, तो मैं बहुत मुझे अकेला महसूस हुआ, मैं मुझे भी जाती, मैं भी उन सब से मिलती, बात बात करती, लेकिन एक ही पॉसिबल नहीं होता जाना। हर बच्चों ने भी मिस किया कि मम्मा हम भी चलें, क्योंकि एक शहर में जब होती है ना माँ, तो आप लेके चले जाते हैं, ईद पर चले गए या हफ्ते में चले गए, एक महीने में चले गए तो मिल लेते हैं, लेकिन इस तरह दूर अगर शहर से दूर हो, बहुत काफ़ी दूर हो, और मैं कराची में हूँ, मम्मी मेरी पंजाब में, तो जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप सब समझ सकते हैं जिनकी मदर दूर होते हैं या जिनका बेका दूर होता है, और मेरे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा फील किया कि भाई ईद पे हम लोग नानी घर होता तो हम जाते मिलते सब बैठते बात बात करते मेरे सबसे कज़न वज़न से मिलते तो अच्छा लगता, अच्छा फील होता है। बहरहाल तो मैंने कहा चले देखेंगे, तो मेरे बच्चे कहते मम्मा कोई ईद हम करेंगे नानी के आना, क्योंकि मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, तो मैंने तकरीबन एक ईद की है, शायद एक या दो ईद अपने मेके में की है, वरना मैं ईदें अक्सर यहीं पर करती हूँ। तो ये है कि बच्चे काफ़ी बोर हुए इस ईद पर, कहीं जाना भी नहीं हुआ, ईद के सेकेंड डे हम खाना खाने बाहर चले गए थे, तो बच्चों ने बहुत फील किया मेरे इस बार कि हम भी कहीं जाएँ, क्योंकि अक्सर इनके फ्रेंड भी चले जाते हैं ना, तो किस नानी के घर या किसी रिलेटिव्स के घर, तो मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा फील किया कि भाई हमें भी जाना चाहिए, हम भी जाएँ। बहरहाल फिर हम घर का ईद का पहला दिन तो घर पर गुजरा, फिर सेकेंड डे बाहर चले गए थे हम लोग, और थर्ड डे में बच्चों के लिए खाना वाना बना लिया था घर पे। इस तरह ईद के 3 दिन गुजरे, और बाद में फिर की क्लासेस आज से स्टार्ट हुई, जुनैर की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई, जोहेब की भी हो गई, तो बहरहाल ऐसे ही ईद हमारी गुजर गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी, बच्चों के साथ फैमिली के साथ अच्छी गुजरी। मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, तो बहुत अच्छी गुजर गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे एक सॉन्ग भी डेडिकेट करना था, ये आप बोल हो नहीं सकता कोई भी मौका मैं सॉन्ग ना गाऊं, और ख़ास तौर पे मदर के लिए, मैंने फादर के लिए, अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो देखेंगे तो फादर डे पे भी मैंने सॉन्ग एक शेयर किया था अपने फादर के लिए, बल्कि सब फादर के लिए होता है, एक होता है जब आप किसी कोई एक भी सॉन्ग अगर डेडिकेट करते हो किसी को या गाते हो तो सारे सब फादर्स और मदर के लिए होता। अच्छा मैं अपनी मदर के लिए अब और सब मदर्स के
पाकिस्तानी है, सनी रहीम शाह ने गाया था और बहुत फेमस भी हुआ था, सब पसंद भी करते हैं, आप सबको भी बहुत पसंद होगा झूला, और बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है। अच्छा, वो सब मैं आप सब से शेयर करती हूँ और गाती हूँ और आप सबको सुनाती हूँ, आपको यकीन पसंद आएगा। कभी मैं देखूँ कभी मैं सोचूँ ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, कभी मैं देखूँ कभी मैं सोचूँ ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रही है और बड़ी मुश्किल से गा रही है, नाक बंद है यहाँ से। अच्छा, एक और इसका मन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, मैंने जो कुछ कहा कर गुजरना करो अपनी माँ को खफा उन्हें भरना करो, झूला हाँ झूला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीदें खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। ये देखिएगा, मेरे बच्चों ने केक का अरेंजमेंट किया है मदर डे पर। ये देखिएगा, केक हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर पता नहीं कहाँ से जोहेब लेकर आया है। अच्छा, ये और ये गिफ्ट है जो मेरे बच्चे मुझे दे रहे हैं। मदर के लिए कोई गाना गाएंगे आप या मैं गा लूँ? वैसे गा चुकी हूँ मैं गाना, लेकिन दोबारा गा लूँ कोई और गाना अच्छा सा। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये सॉन्ग मुझे याद नहीं था, तो मैं ये कोशिश करती हूँ, बड़ा मुश्किल सॉन्ग है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। मदर डे के मौके पे तो बनता है ये सॉन्ग। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, मुझे सब है पता मेरी माँ, भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ, भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नज़र ढूंढे तुझे, सोचूं यही
तू आके थामेगी माँ उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ तुझे सब है पता है ना माँ, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूँ तुम्हें दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। मैंने बड़ी कोशिश की क्योंकि मेरा नाक भी बंद है, मुझे नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत छींकें अभी मैंने लगातार 10 छींकें आई हैं मुझे, फिर भी मैंने कोशिश की है। नहीं 10.5 आधी भी आई आधी नहीं कंप्लीट आई है 10, तो वो मैंने कोशिश की है ये सॉन्ग गाऊं क्योंकि ये उन बच्चों को तर्जुमान करता है या उन बच्चों को जो फीलिंग अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो हर बच्चा अपनी माँ से बाप से प्यार करता है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं पाते अपनी माँ को या बाप को, तो ये उनके लिए है, वो गा के बता सकते हैं। नहीं मतलब एक होता है ना इंसान को फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती है, बतानी नहीं आती है, तरीका नहीं आता उनको बताने का, तो माँ बाप ये समझते हैं कि शायद हमारे बच्चों को हमारी परवाह नहीं है या केयरलेस है या मतलब कुछ समझते नहीं हैं, कोई एहसास नहीं करते मेरा, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जो अपनी हर फीलिंग बताते हैं, कुछ लोग दिल ही दिल में रखते हैं, कुछ नहीं बता पाते लेकिन उनको परवाह होती है, मतलब वो कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि वाकई वो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, ये उन बच्चों की दिल की आवाज़ है। क्योंकि ये जो आप सब ने ये अगर मूवी देखी है तो वो बच्चा बोल तो नहीं पाता ना, कहाँ बोलता है, मासूम सा बच्चा होता है, जब उसकी माँ बाप उसे छोड़ के जाते हैं तो वो कह नहीं पाता, तो वो एक सॉन्ग कवर कर देता है वो सारी सिचुएशन को ये गाना, तो इसलिए ये गाना मैंने आज स्पेशल मदर डे के मौके पर आप सबसे शेयर किया है। और अब आप भी कहेंगे कि आप इतना लंबा गाना गाया है और ये वो, चले अब केक काटते हैं, ठीक है ठीक है, हम केक काटते हैं अब और आप सबको हैप्पी मदर डे, और अल्लाह ताला सबकी माँ को सेहत के साथ लंबी उम्र दे और माँ बाप दोनों को सलामत रखे अल्लाह ताला, क्योंकि माँ बाप दोनों ही इंसान की ज़िंदगी में बहुत वैल्यू रखते हैं, बहुत अहमियत होती है माँ बाप की, और अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ लंबी उम्र दे। और अभी हम केक काटते हैं और जैन ने मुझे दिए हैं, अच्छा जोहेब देना दे, आपने देखा होगा कि दो फूल मुझे देखे क्या, बर्थडे नहीं है बेटा, हैप्पी मदर डे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनेंदर सतरंगी का देखिएगा बहुत प्यार, थैंक यू बेटा। देखिए मेरा बेटा स्क्रिप्ट तैयार करके लाया है मदर डे के मौके पर स्पेशल। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ खाना बनाती है, अच्छा मेरी माँ मारती है, ओके मेरी माँ डांटती है, ओके और मेरी माँ पता नहीं क्या कर रही, और क्या बेटा और क्या कर सकती हूँ उसके अलावा, डांटने मार के अलावा और क्या कर सकती, मेरी मम्मा मुझसे बड़ी है, बड़ी होंगी ना माँ तो बड़ी होती है ना, और मेरी माँ ब्लॉगर है, अच्छा मेरी माँ का चैनल रानी योगिया है, ओके ने 2 क्लास के बच्चे का ने स्क्रिप्ट सुना दिया आपने, याद नहीं हो रहा था ना मैं क्या करें, स्क्रिप्ट याद नहीं हो रहा था, मेरा ब्लॉगर जा रहा है, अच्छा तो व्यूअर्स बस मैं अपनी वीडियो का यहीं पेंट करूँगी और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और रानी को दुनिया को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अच्छा मेरे जो इंस्टाग्राम का लिंक है ना वो आपको मेरे अकाउंट में मिल जाएगा और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रानी की दुनिया को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।